तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपका इंटरनेट बैंकिंग का हो या मोबाइल बैंकिंग से हो, कोई भी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पा रहे हो, ना ही कोई भी सर्विसेज का यूज़ कर पा रहे हो, तो वहाँ लिखा हुआ आता है एक्सेस राइट्स को जो है अपग्रेड करना होगा। तो मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप एक्सेस राइट्स को जो है अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए कोई भी ब्राउजर पे टाइप कर देना है SBI लॉगिन, उसको द लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है कंटिन्यू टू लॉगिन पे आपको फिर से जो है क्लिक कर देना है। सिंपली आपको यूज़र आईडी पूछा जाएगा, पासवर्ड पूछा जाएगा अपना इंटरनेट बैंकिंग का। तो सिंपली आपको ये जो चीज़ है आपको फिल कर देना है। ये प्रोसेस आप योनो से भी कर सकते हैं, तो मैं आपको जो है इंटरनेट बैंकिंग में ही करके दिखाऊँगा। सिंपली आपको जो यहाँ पे लॉगिन दिख रहा होगा, तो सिंपली आपको लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, बैंक से लिंक है, उस पर OTP आ जाएगा। तो सिंपली जो है उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है और जो है सबमिट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इंटरनेट बैंकिंग का डैशबोर्ड खुल जाएगा। जैसे कि मुझे कोई भी एक सर्विस का यूज़ करना है जो कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो जैसे कि मुझे चेकबुक ऑर्डर करना है, तो मैं चेकबुक ऑर्डर करके देखता हूँ कि क्या एरर आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यू आर वन व्यूइंग राइट्स, यानी जो है मैं सिर्फ देख सकता हूं, कोई भी सर्विसेज का यूज नहीं कर सकता हूं। इसके लिए जो है एक्सेस लेवल का जो है अपग्रेड करना होगा। तो सिंपली जो है आपको फिर से जो है रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी पे आ जाना है। उसके बाद आपको यहां पे देख सकते हैं अपग्रेड एक्सेस लेवल। तो सिंपली जो है अपग्रेड एक्सेस लेवल वाले ऑप्शन पे जो है आपको जो है क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं अभी लिमिटेड ट्रांजेक्शन ओनली किया हुआ है करेंट एक्सेस लेवल में, तो आपको ये फुल कर देना है, फुल ट्रांजेक्शन राइज कर देना है। उसके बाद जो है सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, तो सिंपली जो उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है और कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं OTP को फिल करके कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा जो एक्सेस लेवल है या एक्सेस राइट्स है वो अपग्रेड हो चुका है। ये 24 घंटा पे अपडेट होगा, उसके बाद जो है 24 घंटा के बाद जो है आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, सर्विसेज का जो है यूज़ कर पाओगे बहुत ही आसानी से। इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है या कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा या मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइए।